मेरा नाम विपिन गनात्रा है, मैं कलकत्ता सेंट्रल यूनियन में रहता हूँ। मैंने मेरी लाइफ में 100 से कई अधिक फायर अटेंड किए और इससे मुझे आनंद मिलता है। मैं टीवी में न्यूज चैनल फॉलो करता हूँ, उसमें जब भी हेडलाइन आती है कि कलकत्ता में कोई हादसा हुआ तो मैं तुरंत अपने पास के कंट्रोल रूम को फोन करता हूँ, या तो कोई दोस्त मुझे फोन कर देता है। फायर ब्रिगेड की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और उसके लिए कैसे जाना, टैक्सी से बस से निकल जाता हूँ। 12 साल की उम्र में मेरे भाई को जल के मरते हुए देखा, उस उम्र से आप से मेरे अलग टाइप के ताल्लुकात हो गए। जब कहीं दमकल जाती है तो उसके पीछे पागल के तरह में भागता था, मगर फायर ब्रिगेड वाले उस टाइम हमको पहचानते नहीं थे, तो मैं क्या करता था, पाइप बिछाने का या कुछ करने का, तो उसमें उन लोगों को मैं मदद करना चालू कर दिया। कुछ साल पहले 56 नंबर केनिक्स में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ था, मेरे सामने डीसी सेंट्रल खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे विपिन वो लेडीज देखो वो क्या कर रही है। वो रूट बना के मैं ऊपर गया, वो बोला मुझे पेन हो रहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब मैंने नीचे सिविल डिफेंस वाले खड़े थे उसको मैंने इशारा किया कि आप अपोजिट बिल्डिंग की छत में आओ, यहाँ से रस्सी में अपने को स्ट्रेचर बांधना है, बांध के ये 10 फुट का गैप अपने को कवर करना है। मैंने कुछ बचाने का काम नहीं किया, बचाने का काम तो कुदरत ने किया। ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, कभी कभी अफसोस होता है कि मेरे रहते हुए एक आदमी को मैं बचा नहीं पा रहा हूं। मगर इस दुख को अगर मैं अपने मेंटली का हिस्सा बना लेता हूं तो मेरी मॉरली ताकत खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं इस चीज को भूल जाता हूं। भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया मगर शरीर दिया है, दिमाग दिया है, तो उसका मैं किस तरह सही इस्तेमाल करूं और लोगों के काम आ जाऊं। स्टैंड रोड में आग लगी थी, लिटरली आई गॉट द मैसेज दैट बीपिन इज नो मोर, ही वाज ट्रैप्ड इन द डेब्री। मुश्किल से हटाया गया मलबा, निकला बीपिन अलाइव। फिर 3-4 दिन में फिर एक्शन में बीपिन, आग में उसको काम करते देखिए तो उस समय वो लगता है कि वो एक इंसान नहीं है, वो सुपर ह्यूमन बीन है। विपिन गनात्रा कोई बड़ी हस्ती नहीं है, एक मामूली सा इंसान है। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। INS विक्रांत के फौलाद से बनावी ऐसे लोगों को सल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हो तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे।